एपिसोड वन में हम मेन लीड शिन को देखते हैं, जो कि भाई काफी अजीब लड़का होता है। सुबह जल्दी उठता है, स्कूल आ जाता है और फिर स्कूल में बैठकर पढ़ाई करता रहता है 2-3 घंटे, जब सारे आने फिर शुरू हो जाते हैं। आज टीचर ने शिन और एक और स्टूडेंट को बुलाया होता है क्योंकि इन्होंने मैथ के कॉम्पिटिशन में ना पार्टिसिपेट किया था और आज उसका रिजल्ट आया होता है। शिन फर्स्ट आया और ये दूसरा वाला लड़का है ना, इसका नाम बिन होता है, बिन थर्ड आया होता है। तो अब ये तो बिन तो बुली होता है ना क्लास का, तो इसकी जल जाएगी। अब पूरे दिन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके कमजोर बच्चों को बुली करता रहता है और अब इसी बीच ये शिन को देख लेता है। आज इसको जल पड़ती है अंदर से कि फर्स्ट आया था भाई ये तो, और फिर इसको जूते से मारता है, सॉरी कह के फिर इसका मजाक बनाने लग जाता है। तभी शिन कहता है कि बच के रहना तुम। बिन को गुस्सा आ जाता है, शिन कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी कुछ स्पोर्ट्स क्लब के स्टूडेंट आकर एक सुहो नाम के लड़के को खोज रहे होते हैं। सुहो को देखते तो पीछे आराम से लास्ट बेंच पे सो रहा होता है। स्पोर्ट्स वाला कहता है कि हाँ बे, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज कैसे किया था? सुहो कहता है कि देख भाई, पहली बात तो ये कि उसको मैंने मैसेज किया नहीं था, वो मुझे खुद मैसेज करके पूछती है कि मेरे बाबू ने खाना खाएगी नहीं, और ये सही में पूछा था उसने। और यहाँ पर भाई कहता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, क्योंकि भाई मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं ना उसके अंदर, बुरी लगती है मेरे को जाए से। बस लड़के को गुस्सा आ जाता है और इसको मारने के लिए आते हैं। पहले तो सुहो आराम से इनको हैंडल कर रह रहा होता है, बट जब सीरियस हो जाती है ना, अब तो भाई बहुत मारता है इनको, बहुत मारता है, बेहोश कर देता मार मार के। पूरी क्लास कांप जाती है कि भाई पीछे सोया रहता था, अब क्या कर रहा उठ के ये। सुहो फिर सिन के पेंस गिरा देता है अभी गलती से लड़ाई के दौरान, तो सिन इसको घूर रहा होता है। सुहो कहता है कि मैं उठाऊंगा क्या ये? सिन कहता है कि हाँ उठा के दे मेरे को। सुहो उठाता भी है, देता भी है, सॉरी भी कहता है। और यहाँ से सिन आ जाता है घर पर। घर पर आके ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहा होता है टीचर से। इसके फादर आकर कहते हैं कि क्या कर रहे हो, ये मत देखो इसकी वीडियोस, मत पढ़ो। अब आप सोचोगे कि बाप अपने बेटे को मना कैसे कर सकता पढ़ने से। हाँ, एक्चुअल में जो टीचर होती है ना वीडियो के अंदर चल रही, इसकी मॉम होती है, तो इसकी मॉम साथ छोड़ छाड़ के चली गई होंगी, ये तो अपने को भी नहीं पता है। अगले दिन मशीन क्लास में जल्दी आता है तो यहाँ पर सुहो सो रहा होता है, क्योंकि ये शायद रात को घर नहीं गया था, यहीं पर सो रहा रात से, मतलब कल से ही। और फिर दिन में सबको रनिंग करवाई जाती है, सब अच्छा परफॉर्म कर ले रहे होते, बट शिन लास्ट आता है। टीचर कहते हैं कि देखो बेटा, तुम पढ़ाई में तो अच्छे हो बट हेल्थ पर भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, उसमें तुम ठीक नहीं हो। लॉकर रूम में सब शिन की बातें कर रहे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, बुली बुली। तो शिन ये सुन के आता है और कहता है मेरे से पंगे मतलब, मेरा मजाक मत उड़ा, मेरे बारे में बातें मत करो। जहां तो उसकी बातें सही बोल रहा है वो। इतने में बिन का एक फ्रेंड, बिन वही बुली, उसका एक फ्रेंड उठता है और इसको मारने लगता है, इसका गला दबा देता है। बस शिन की ना मौत होने वाली थी यहाँ पर, बट टीचर आ जाते जिसकी वजह से की जान बच जाती है। बिन शिन को कहता है डरा के कि देख टीचर को कुछ बताना नहीं, चुप रहना। और शिन चुप हो जाता है, कहते हैं सब हम मजाक कर रहे थे बस। और यहाँ से शिन के घर पर आ जाते हैं फिर से। असम के उसके डोर पर एक डिलीवरी गाय आया हुआ, वो चिल्ला रहा है कि सर आप खाना आ गया। शिन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा खाना नहीं होगा, मैंने कुछ मंगाया ही नहीं है। और फिर ये गेट खोलता है तो बाहर सुहो होता है, इसका क्लासमेट। और सुहो देखता है इसको, ये इसको देखता है, दोनों एक दूसरे को देखकर चौंकते हैं थोड़ा। और फिर सुहो कहता है कि अरे गलती से तुम्हारे घर आ गया, तुम्हारे घर का नहीं है ये। कहता मुझे पानी पिला दो, और जबरदस्ती इसके घर के अंदर घुसता है, बहुत सारा पानी पीता है और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया होता है, इसका नाम बोम होता है। इंट्रो के बाद जाकर सीट ले लेता है और बिन अपने फ्रेंड्स के साथ टीम के पास पहुंच जाता है इसे बतोले मारने के लिए, और कहता है कि हाँ भाई कहाँ पढ़ते थे पहले? ये किसी स्कूल का नाम बताता है। बिन कहता है कि तुम तो यार काफी रिच हो, क्योंकि उस स्कूल में काफी रिच बच्चे पढ़ते हैं, मेरा फ्रेंड भी वहीं पर पढ़ता है, क्या तुम उसको जानते हो? उसका नाम ये है। ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस नाम के किसी लड़के को नहीं जानता हूँ। और फिर यहाँ से हम देखते हैं नाइट क्लब का सीन, जहाँ पर बिन आया हुआ अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर अय्याशी कर रहे होते हैं। यहाँ पर बिन ड्रग्स भी खरीदता है एक आदमी से और सारे अपने फ्रेंड्स को बांट देता है। ये स्कूल के बच्चे हैं, ये सारे यहाँ बैठ के यहाँ पर ड्रग्स ले रहे होते हैं। बिन उठता है, उस ड्रग्स वाले से मिलता है और कहता है ये बताओ, अगर मैं इस ड्रग को ना किसी को दे देता हूँ, किसी गले पर चिपका देता हूँ ले जाकर, तो क्या होगा? ये ड्रग वाला कहता है कि उसके होश उड़ जाएंगे, उसको चक्कर आएगा, उसको उल्टी आने लगेगी, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसको वार्निंग देकर चला जाता है कि देख बेटा गलत मत करना कुछ। और फिर बिन यहाँ से शिन को कॉल करता है। शिन बेचारा बस में बैठकर अपना घर जा रहा है रेगुलर की तरह। इसे रास्ते में दो लोग मिलते हैं जो कि इसको ड्रग्स देने के लिए आए होते हैं। शिन समझ जाता है कि लफड़ा होने वाला है, तो वो अपनी पॉकेट से पेन निकाल लेता है। कोरिया में कितना ज्यादा खौफ है, अगर यह सीन देखोगे ना आप तो बहुत डर जाओगे कसम, वो क्या ही बनाते हैं यार ये लोग। और तब यहाँ पर ड्रग वाला आ जाता है वहीं और इसको शिन को वापस भेज देता है घर पे और इन दोनों को रोक लेता है। अगले दिन बिन बोम को अपने फ्रेंडशिप का ऑफर करता है, कहता है दोस्ती कर ले मेरे से, और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तूने पहला वाला स्कूल क्यों छोड़ा अपना, क्योंकि तुझे वहां पर दिन रात बुली किया जाता था। और बिन फिर इसको ड्रग्स देता है और कहता है कि जब शिन तेरे आगे वाली सीट पर बैठा होगा तो तू उसके गले पर चिपका देना ये। और शिन आ जाता है रूम के अंदर। आदमी का एग्जाम होने वाला होता है, सब कुछ शुरू होने वाला होता है, और फिर बॉम उसके गले पर मारता है जिसकी वजह से वो जो चिपका देता है ड्रग्स होता है, और उसको पता नहीं चलता है शिन को। शिन को जब पेपर चालू होता है तब फील होता है इसको कि चक्कर आ रहा है, ये भागता हुआ बाथरूम में जाता है
और खूब उल्टी करता है, चक्कर आ रहा है, क्लास तक नहीं आ पा रहा होता भाई ये। और इसी बीच ये ड्रग्स को देख लेता है कि किसी ने तो लगाया, और पता ही किसने लगाया है, और गुस्से में क्लास में आकर खुद को बहुत थप्पड़ मारता है। सब हैरान है कि क्या कर रही है। सू वो जो कि पीछे सोया हुआ है, पूरी क्लास एग्जाम दे रही है, वो भी उठ के देखने लग जाता है। सिन की ऐसी हालत देख कर ना मतलब सब डर गए होते कि भाई इसको क्या हो गया है। गुस्से में ना सिन उठता है और एक मोटी सी किताब उठाता है और बिन के फेस पर बहुत तेज मारता है जाकर। और इसके फ्रेंड जब बीच में आते तो उनके हाथ में पेन घुसा देता है और बिन को बहुत मारता है, कवर करके उसका फेस बहुत मारता है, नीचे गिरा के उसके पेट पर अटैक करता है लात से, बहुत मतलब उसका कुत्ता भर देता है भाई मार मार के। सूहो उठ के सिन को रोकता है, कहता बहुत होगी लड़ाई खत्म करो, पर सिन अपने पेन उठाकर सूहो पर फेंकता है बहुत तेजी से और एक चेयर उठाकर इसको मारने के लिए आता है और सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। मतलब तो एपिसोड 2 की शुरुआत ना वहीं से होती है जहां से 1 को खत्म किया था। शिन ने बिन को बहुत मारा होता है जो कि इसको बुली कर रहा था, बहुत मार मार उसको बेहोश कर देता है और सूहो आता है सिन को मार के अलग करता है, लड़ाई रुकवाने की सोचता है वो, और इतने में सिन इस पे चेयर से अटैक कर देता है, पर सूहो को टच कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो सूहो इससे कैसे फिक्र बच जाता है और सिन को एक पंच देता है, सिन एक में लड़खड़ा सा जाता है और सिन फिर भी नहीं रुक रहा होता, वो इसको मारने के लिए आता है। बट इतने में ना टीचर आ जाती है तो सूहो बताता है कि मैं इनकी लड़ाई रुकवा रहा था, ये दोनों फाइट कर रहे हैं यहाँ पर। सिन वहां से सीधा हॉस्पिटल में आता है जहां पर बुली की मोम आई हुई है और बहुत गुस्सा हो रही होती है शिन के ऊपर। शिन माफी मांग रहा होता है, मोम कहती है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, जाओ अपनी मोम को बुला कर लाओ। शिन कहता है कि मेरी मोम नहीं है। बुली की मोम कहती है कि तुम्हें तो मैं जुवेनाइल भेज कर रहूंगी जहां पर माइनर क्रिमिनल्स को रखा जाता है। शिन इन्हें ड्रग दिखाता है और बताता है कि आपके बेटे ने एक लड़के से बोलकर मेरे गले पर ये लगाया जिसकी वजह से मुझे चक्कर आया और बाकी सारी चीजें। बिन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सबूत दिखाओ अगर कोई है तुम्हारे पास तो। तो शिन बुली का बैग दिखाता है जिसमें बहुत सारे ड्रग्स होते हैं और बस इसके बाद तो सब क्लियर हो जाता है। टीचर भी यहीं पर होती है और वो बिन की मोम से कहती है कि आप अपने बेटे को लेकर किसी दूसरे स्कूल में चले जाओ, ट्रांसफर करवा लो इसका। और बिन ये सारी बातें सुन रहा होता है और शिन को काफी गुस्से में देख रहा होता है। शिन यहाँ से फिर घर जाने लगता है। घर आता है तो इसके फादर को कोई आइडिया नहीं कि इसने क्या किया है। इसकी फेस पर जो चोट लगी है ना उसको देख के पूछते क्या हुआ, तो कहता है जिम क्लास में चोट लग गई थी मुझे। बट इसके फादर को पता है कि ये लड़ाई करके आया है, पर इतनी ज्यादा ये नहीं पता। और यहाँ पर शिन चुपचाप पढ़ाई करने लग जाता है जैसे वो रोज करता है, बट आज इसके दिमाग में फाइट वाली बातें घूम रही होती है। अगले दिन शिन के पास बुली के दोनों फ्रेंड आते हैं और कहते हैं कि क्लास के बाद मिलियो, बताएंगे तुझे। शिन कहते हैं कि क्लास के बाद क्यों मिलना है, चल अभी चल के फैसला कर लेते हैं। और भाई ये तीनों उठ के जाने लग जाते हैं क्लास के बाद, पूरी क्लास इनके पीछे जाती है नजारा देखने के लिए। ऐसा आप लोगों के स्कूल में भी होता होगा कि लड़ाई वड़ाई होती है ना, तो जैसे सारे भक्के जाते हैं देखने के लिए क्या होने वाला, तो ऐसा ही कुछ। शिन बाथरूम में घुस जाता है, दोनों बुली भी अंदर आ जाते हैं और फिर शिन जाकर गेट बंद कर देता है। पूरी क्लास बाहर बैठकर इंतजार कर रही है कि अंदर क्या हो रहा है। शिन निकालता है अपनी जेब में से एक पेन और बुली की तरफ बढ़ने लग जाता है। दोनों बुली की पैंट गीली हो जाती है और ये कहता है कि देखो मैं इज्जत से बोल रहा हूँ कि मान जाओ, मेरे से पंगे मत लो। और फिर उसके बाद बुली कुछ कहते नहीं है इसको, गेट खोलकर बाहर आता है तो इससे स्टूडेंट पूछते क्या हुआ क्या हुआ अंदर क्या हुआ, तो ये गुस्से में कहता है कि तुम कौन होते हो पूछने वाले, तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो जो मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब क्या हुआ है। और फिर यहाँ से चुपचाप चला जाता है। यहाँ हम उस ड्रग्स वाले को देखते हैं जो कि बिन से मिलने आया होता है और उसको समझा रहा होता है कि मैंने पहले ही मना किया था फिर भी ऐसा किया तुमने। और ये कहता है कि किसने किया ये तुम्हारे साथ, ये बताता है कि मेरे क्लासमेट ने। और ड्रग वाला फिर इससे पैसे मांगने लग जाता है किसी चीज़ के। बिन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ड्रग वाला कहता है कि मेरे से गिड़गिड़ा के मांगो, तो ये उसे गिड़गिड़ा के कहता है कि हेल्प कर दो मेरी। अब ये क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे। शाम को घर जाते हुए बस से सिन को बाहर सूहो दिखाई देता है जो कि अपने स्कूटर पर बैठकर डिलीवरी करने जा रहा है। दोनों बातें करने लग जाते हैं। शिन इससे माफी मांगता है इस पर अटैक करने के लिए चेयर से। सूहो कहता है कि नहीं नहीं माफी मत मांगो, मुझे ट्रीट दे दो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और शिन यहाँ से फिर घर आ जाता है, पढ़ाई करता है, वही रेगुलर वाली रूटीन फॉलो करता है अपनी। और यहाँ सूहो अपनी डिलीवरी करता है, फिर स्कूल के बाथरूम में जाकर नहाता है और नहाने के बाद क्लास में जाकर सो जाता है। मतलब यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि यार इसकी जिंदगी है, इसके घर वर नहीं है क्या ये, मतलब डिलीवरी करता है और पूरे दिन स्कूल में सोता रहता है और रात को भी स्कूल में ही आकर सोता है। ओके, अब अगली सुबह सिन बहुत जल्दी स्कूल आ जाता है तो आज वो ना क्लास की लाइट्स को ऑन नहीं करता है क्योंकि उसको पता है कि सूहो सो रहा है। हालांकि वो इससे पहले रोज लाइट ऑन किया करता था और सूहो उसी टाइम पर उठ जाया करता था। ये ऐसे ही बैठकर पढ़ने लग जाता है। अब पढ़ते पढ़ते लंच हो जाता है तो सूहो को जाकर नींद से जगाता है और कहता है कि चलो खाना खा लो, लंच हो गया। सूहो कहता है नहीं मुझे भूख नहीं लगी, मैं नहीं खाऊंगा। शिन कहता है कि मैं खिलाऊंगा तुम्हें, मेरी तरफ से ट्रीट है ये, तो सूहो मान जाता है और दोनों जाकर खाने लग जाते हैं। शिन कहता है कि स्कूल में क्यों सोते हो तुम। सूहो कहता है कि मेरी दादी चाहती है कि मैं अच्छे नंबर लेकर आऊं स्कूल में, इसलिए मैं घर नहीं जाता हूँ।
क्योंकि अगर मैं घर गया तो वहां से स्कूल आऊंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा, इसलिए मैं यहीं पर सो जाता हूँ। वैसे अगर मैं इसकी बात देखे तो कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, क्योंकि भाई ये ना स्कूल में वैसे पढ़ता वढ़ता नहीं है, पूरे दिन ना सोया रहता है पीछे वाली बेंच पर, तो कहाँ ही पढ़ रहा है, तो कोई फायदा नहीं है, हो सकता झूठ बोल रहा हो। छुट्टी होने के बाद जब शिन घर जा रहा होता है तो इसको बॉम मिलता है, वही लड़का जिसने इसके गले पर वो ड्रग लगाया था, और वो इससे सॉरी कहता, माफी मांगता है, बट ये कहता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से, और बाहर जाने लगता है। बाहर जब जाता है तो वही बिन अपने बुली दोस्तों को लेकर गुंडे लेकर खड़ा होता है इसको मारने पीटने के लिए, तो कहते हैं ना स्कूल के बाहर मिलियो बताऊंगा तुझे, कुछ उस टाइप का। और बस इसके बाद ये लोग इसको पकड़ते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बॉम सब कुछ देख रहा होता है, वो समझ गया है कि उसको मारेंगे वो लोग, तो भागता वो सुबह के पास जाता है और जाकर उसको जगाता है, क्योंकि वो अभी भी क्लास में सो रहा होता है। इसे देख के मेरे को मेरे दिन याद आ गए, मैं भी ऐसे सोया करता था, बस मेरे पास पिलो नहीं थी उस टाइम। ओके, अब बॉम इसे सिन की हेल्प करने को कहता है और कहता है उसको बचाओ जाकर। सुओ कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, मेरा दोस्त नहीं है वो, और मुझे जॉब पर जाना है, डिलीवरी करनी है, तो मैं लेट हो जाऊंगा उसके लिए। बॉम कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी से ना डबल पैसा दूंगा तुम्हें अगर तुम उसको अभी बचाओगे तो। बस ये मान जाता है और दोनों फिर स्कूटर पर बैठकर उसको बचाने के लिए निकल जाते। काफी ढूंढते भाई, यहाँ वहां मिल ही नहीं रहा होता शिन, और शिन को यहाँ पर हम देखते हैं जो कि घेर रखा होता है इसको गुंडों ने मारने पीटने के लिए। बिन कहता है कि आज हम इसका एक हाथ तोड़ देंगे ताकि ये कभी पढ़ाई ना कर सके। शिन इन पे अटैक करके भागने की कोशिश करता है और फिर इनको मारना भी शुरू कर देता है, बहुत मारता भाई, बहुत मारता सबको, और जाते टाइम ड्रग वाला पीछे से अगर इस पर अटैक करता है उसको गिरा देता है और फिर इसको मारने लगता है। इतने में बिन आता है और बिन इसको मारने लगता है, वो मरे हुए को मार रहा है, वैसे नहीं मार पा रहा था, और इसके हाथ को ना पकड़ लेते हैं इसके दोस्त और इसके हाथ को ना तोड़ने लग जाते हैं। इतने में शुगो आता भाई और भाई बहुत मारता है इनको, बहुत मारता है इनको, बचा भी लेता है शिन को और ड्रग वाले को भी बहुत मारता है, उसको कुत्ता भर देता भाई मार मार के। इतने में ना पता है बुली फिर से शिन को मारने लग जाता है, यहाँ पे ये जो सुहो बिजी हो जाता है ड्रग वाले के साथ, तो सुहो बचाने के लिए जब जाता है ना तो ड्रग वाला उसको पकड़ लेता है। बिन फिर बोतल लेकर शिन पर अटैक करने के लिए आता है, बॉम आकर इस बार शिन को बचा लेता है बोतल से, और सुहो चिल्ला कर कहता है कि कितने बेशरम हो गए तुम सबके सब, एक लड़के को मारने के लिए पूरी टीम लेकर आए हो फिर भी नहीं मार पा रहे हो, अब देखो भाई मर जाओ जाकर, बेशरम हो तुम सबके सब। अब ये बात ना देखो टीनेजर है ये सब, तो इनको तो कोई बात नहीं, बट जो ड्रग वाला होता है ना तो बड़ा व्यस्क होता है ना, उसकी भाई बेइज्जती हो जाती, बहुत गंदी बेइज्जती होती है उसकी, तो अपने गुंडों उंडों को लेकर चला जाता है। और फिर सुहो इन दोनों को लेता है और चले जाता है यहाँ से, और फिर ये दोनों कहते हैं शिन को कि लंच का टाइम हो गया चले, तो पहले मना करता है शिन, बट फिर इसको जबरदस्ती लेकर जाते हैं। सुहा आज इनको पता है कहाँ लेकर आया, जहाँ पर ये काम करता है, यहाँ पर इनको लंच करवाता है, और लेट हो गया होता है ना आज काम में, तो इसलिए इन दोनों से अपना काम भी करवाता है यहाँ पर, और फिर तीनों रात को डिनर भी साथ में करते हैं आज, और बातें करने लग जाते हैं जैसे लोग फ्रेंड्स बन रहे हैं। शिन भी बॉम को माफ कर देता है, और मतलब ऐसा लगता है ना कि इनके बीच वाइब आ गई है, एक बॉन्डिंग बनने लग गई है, तो दोस्ती का माहौल हो जाता है कुछ ज्यादा। और रात को फिर ये तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं सुओ का घर, हाँ इस ये भी रूम में लेटा हुआ, तो हाँ इसका भी घर है। और फिर शिन जो अपने घर पर लेटा हुआ है यानी कि सो चुका है अपनी मॉम की वीडियो को देखते देखते, और एंड में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। अब ये कौन है ये नहीं पता, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा क्या करता है ये है कौन। ओके, उसी आदमी से होती है जिसको हमने एपिसोड 2 के एंड में देखा था, ये ड्रग वाला होता भाई, वो ड्रग वाले का बॉस होता, मतलब बहुत खतरनाक आदमी है ये। ये ड्रग वाले से कहता है कि हाँ भाई क्या लफड़ा करते फिर रहो बाहर तुम लोग, और मारता इसको बहुत मारता। ड्रग वाला सॉरी भी कह रहा होता है, बट ड्रग वाले का ना हाथ तोड़ देता है ये मार मार के उसका, और सीन आ जाता है तीनों फ्रेंड्स पर जो आज मस्ती करने आए होते हैं। सीन कहता है कि हम लोग एक ग्रुप प्रोजेक्ट बनाने के लिए आए थे, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। सुहो कहता है कि देखो ऐसी मस्ती होती है, माइंड फ्रेश होता है तो हमारा पढ़ाई पे ध्यान लगेगा। सुहो फिर इसे पूल खिलाता है और फिर बैट लगाते हैं। सुहो हार जाता है और कहता है कि मैं जानबूझकर हारा था, और फिर शिन को बियर के लिए पूछता है कि पीने चलोगे, बट शिन मना कर देता है, तो सुहो और बॉम दोनों बियर पीने चले जाते हैं। सीन आ जाता है हॉस्पिटल में, यहाँ पर ड्रग वाले से मिलने के लिए बिन आया होता है और कहता है कि क्या हो गया यार। डीलर कहता है कि तू कौन है वे, क्या मतलब तेरा क्या हो गया, और फिर कहता है ड्रग वाला कि तुमसे ना मेरे को हेल्प चाहिए बीन से। बीन इस बात के लिए मान भी जाता है, अभी ये देखो क्या प्लान बनाते हैं। और सीन फिर वहां से शिन पर आता है, दो अम्ब्रेला खरीदने एक शॉप में आया है, यहाँ पर इसको एक लड़की मिलती है। ओके, अब हम इस लड़की के बारे में जान लेते हैं। ये जो लड़की है ना ये ड्रग वाले की टीम की मेंबर होती है, मतलब एक तरह की गुंडी होती है ये, हमने इसको एपिसोड 2 में भी देखा था। ये पंगे तो नहीं ले रही थी, जस्ट खड़ी थी वहां पर, हालांकि मैंने उसमें इसको मेंशन नहीं किया था। ओके, तो इस लड़की का नाम जो होता है ना वो युंगी होता है। अब शिन को ये देखती है और शिन इसको देखता है, ये एक्सेमल लिपस्टिक चुरा रही होती है। आ जाती है वहीं पे स्टाफ और इसको देख लेती है, तो भाग करना शिन के पास आ जाती है,
और कहती है कि चलो चलो बाहर चलो, इसको बाहर लेकर आ जाती है। और बाहर लाकर बारिश हो रही है तो शिन के पास अम्ब्रेला है, तो कहती है मुझे घर छोड़ दो बारिश हो रही है। तो शिन इसको लेकर जाने लगता है, बट ये उसको घर तो नहीं ले जाती, बट हाँ डिनर करवाने जरूर ले जाती है। और शिन परेशान हो रहा है, बैठ कर बोर हो रहा होता है, वो कहता है जा सकता हूँ घर में, जा सकता हूँ। ये कहती है कि नहीं 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 मेरे को अकेला खाना खाना अच्छा नहीं लगता, बैठे रहो तो मैं खा नहीं लेती। और फिर इसका फ़ोन लेती है और उसके अंदर अपना नंबर लिख देती है और कहती है कि तुम मेरे टाइप के हो बिल्कुल, और सॉरी बोल के यहाँ से चली जाती है। सीन आ जाता है ड्रग डीलर पर, जो एक स्कूल के स्पोर्ट्स गाय को पकड़ कर ना पीट रहा होता है उसको, क्योंकि इस स्पोर्ट वाले लड़के ने इससे पैसे लिए होते हैं और अब दे नहीं पा रहा, तो कहता है कि अगर पैसे ना देना तू तो हम तेरे पैर को तोड़ देंगे। देखो ये ना बहुत बड़ा जाल सा बिछा के रखा होता है इन लोगों ने, अभी हमें आगे पता चलता है। वैसे यह बिन स्कूल में सामान लेने आया होता है क्योंकि इसका ट्रांसफर होने वाला है ना दूसरे स्कूल में, पर शिन को बात करने के लिए बुलाता है, शिन मना करता है। और सुहो और बोम भी वहीं बैठे हैं, वो सुन रहे, वो कहते हैं कि क्या बात करनी भाई अब तुझे क्या हो गया। बिन इन्हें अकेले में लेकर जाता है और शिन से घुटने पर बैठकर सॉरी कहता है और कहता है कि मेरी मोम से बोलो वो ड्रग्स तुम्हारी थी, वरना मेरी माँ जुवेनल भेजने वाली है मेरे को, जहाँ पर मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। बिन फिर तीनों को लेकर बेसमेंट पार्किंग में जाता है, जहाँ पर ड्रग वाला ड्रग टीम का लीडर सारे होते हैं यहाँ पर। और ड्रग लीडर इससे आकर कहता है शिन से कि तुमने हमारे मेंबर का हाथ तोड़ा है तो तुम्हें 15 मिलियन वॉन 3 दिनों के अंदर हमें देना होगा, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुहो का हाथ कट करके यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि देखो हाथ ना उस डीलर ने ही तोड़ा उस ड्रग वाले का, बट इल्जाम उस शिन के ऊपर लगा रहा है। हालांकि जहाँ पर फाइट हुई थी ना, तो इनको लग रहा है कि फाइट के दौरान उसका हाथ टूट रहा था, बस उसका हाथ ना डीलर ने तोड़ा था एपिसोड के शुरुआत में। और उसके बाद तो भाई इन तीनों का जीना हराम कर देते गुंडे, जहां भी जाते हैं ना तीनों उनके पीछे लगे रहते, काफी पीछा करते हैं मतलब हमेशा। सिन घर पर आकर कॉल करता है किसी को और फिर मिलने बुलाता है, इसने यहाँ पर युंगी को कॉल किया होता है। ये जाकर युंगी से सब कुछ बताता है। युंगी बताती है कि वो जो डीलर है उसका ना गिल है और वो पैसे के लिए लोगों की जान लेता है, पैसे के लिए कुछ भी कर देगा वो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बॉम को, जो कि रिच किड होता है ना काफी, तो अपने डैड की वॉच को चुरा कर पैसे लेकर आया होता है और कहता है कि ये ले भाई पैसे वैसे दे दो। सुहो कहता है कि भाई कहाँ से लाया तू पैसे। बोम कहता है मेरे माता पिता ने दिए हैं, पर इनको भरोसा नहीं हो रहा तो ये बता देता है कि मैंने घड़ी वड़ी चुराई थी और फिर उससे बेच के पैसे लाया। सुहो कहता है कि नहीं 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 वापस कर दो ले जाकर, हमें नहीं चाहिए। सुहो कहता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए इन लोगों की। ओके यहाँ से हमें एक फ्लैश बैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें सब कुछ समझ आ जाता है। यहाँ पर युंगी शिन को बता रही होती है कि जो गिल है ना वो डीलर, वो ना एक गैम्बलिंग का ऐप चलाता है जहाँ पर जुआ खेला जाता है। उस ऐप को ना उसके दूसरे जो लोग हैं ना वो दूसरी कंट्री से हैंडल करते हैं। और एक्चुअल में वहाँ पे होता ऐसा है कि इसमें आईडी बनाने पर 50,000 वॉन मिलेगा और अगर तुम 2-3 गेम जीत जाते हो तो तुम्हें बहुत मिलियन वॉन देते हैं। और बस फिर आ जाता है इंसान में लालच कि मैं इतने जीत रहा हूँ तो और भी जीतूंगा, और बस उसमें पैसे लगाने लग जाते हैं। स्कूल के बच्चों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है जो कि काफ़ी अमीर होते हैं। ओके अब वो लोग इसमें पैसा लगाते हैं फिर हार जाते हैं, और जब हार जाते हैं ना उनके पास पैसे वैसे नहीं होते हैं तो लालच, तो फिर लालच चीज़ ही ऐसी है कि अंदर रहेगी रहेगी, चाहे तुम सब कुछ हार जाओ अपना लालच रहती है तुम्हारे अंदर। तो क्या करते हैं गिल के आदमी आते हैं इन लोगों के पास, बच्चों के पास स्कूल के, और उनको ना पैसे ऑफर करते हैं, कहते लो पैसे और उधार बाद में दे देना कोई बात नहीं। और बच्चे फिर लगाते रहते गैम्बलिंग में, हारते रहते हैं, और जब उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता है ना तो फिर गिल के जो आदमी है ना वो इनके पास आते हैं और कहते हैं कि देख भाई पैसे तो चुका नहीं पा रहा तो हम तुझे मार देंगे जान से, इससे बढ़िया तू अपने घर की ना कोई चीज़ चुरा के दे दे। तो ज्वेलरी गाड़ी मतलब कीमती चीज़ें बच्चे चुरा कर स्कूल के ला कर गिल के आदमी को देते हैं और गिल के पहन जाते हैं। समझ गए आप लोग क्या करता है वो, मस्त प्लान है। और इन्हीं सब में ये ड्रग की डीलिंग भी करता है। ड्रग डीलिंग ये ज़्यादातर उन लोगों से करता है जिन बच्चों के स्कूल बैंक में ना अकाउंट होते हैं एक्चुअल में। अब शिन कहता है कि वहाँ पर पुलिस लेकर चलते हैं, पर अड्डा है कहाँ वो किसी को नहीं पता। तो सुहो कहता है कि मैं वहाँ पर अकेले जाऊँगा, मेरे को पता है अड्डा कैसे निकलवाना है, और मैं तुम्हें जब एड्रेस बताऊँगा तुम वहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाना। और सुहो फिर यहाँ से डीलर के पास जाता है। डीलर पैसे मांगता है तो सुहो कहता है कि तेरी वेबसाइट का पता है मुझे। डीलर परेशान कि इसको कैसे पता चल गया। सुहो कहता है कि ड्रग वाले के कज़न ने बताया क्योंकि वो मेरे क्लास में पढ़ता है। डीलर इसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है और युंगी यहाँ पर बाकी दोनों का वेट करने को कहकर रुक जाती है। और फिर ये शिन के पास भागती भी जाती है, कहती है वो मरेगा वहाँ पर क्यों चला गया अकेले। शिन कहता है कि हम उसके पीछे पीछे जाएंगे, हम उसको पकड़ने वाले। सुहो फिर एड्रेस लेने की पूरी कोशिश कर रहा होता है यहाँ पर, और वो खड़ा हुआ डरा हुआ यहाँ पर भाई पैसे लेकर ना जाना चाहता है देने के लिए और सारा मामला निपटाना चाहता है। और वो टैक्सी में भी बैठा होता है पर शिन मना करता है कि नहीं नहीं पैसे मत दो, बट ये चला जाता है भाग के वो। अब ड्रग वाला समझ जाता है कि ये लोग पुलिस लेकर जाने वाले मेरे बॉस के पास। युंगी इसको कहती है कि देख भाई डीलर वैसे ही तेरे को मार देगा एक दिन, तेरा हाथ तोड़ दिया उसने तो उसके लिए छोड़ दू, हम उसके पीछे रहेंगे तो हम सारी मारे जाएंगे, तो जेल में जाने दे, उसको कोई फर्क नहीं करना चाहिए अपने को। सुहो फिर शिन की लोकेशन दे देता है
और सुहो फिर शिन को फटाफट लोकेशन भेज देता है और हम देखते हैं घर के अंदर का नजारा। यहाँ पर सुहो को बिठाया जाता है लाकर। सुहो का फिर ये लोग फोन मांगते हैं, नहीं देता है। और फिर ये पानी मांगता है ना जब, तो इसके सर पे मार कर इसको बेहोश कर देते हैं। बहुत मारता है इसको बोस बेस बैट से, और इसका फोन भी देखता है और समझ जाता है कि पुलिस आने वाली है क्योंकि उसमें मैसेज होते हैं सिन के। इतने में बोम आ जाता है पैसे देकर सुओ को छुड़ाने के लिए, पैसे भी दे देता है और कहता है सुओ को छोड़ दो। बट डीलर इसको भी पकड़ लेता है अंदर और सिन बाहर पुलिस से करा जाता है इतनी देर में। पर यहाँ पर कोई होता नहीं है और तो सबूत भी नहीं है कुछ पुलिस के पास कि उसको पकड़े। तो पुलिस कहती है कि तुम स्टेशन में आना, कंप्लेन लिखवाना, ये करना वो करना, हम फिर कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। और पुलिस यहाँ से चली जाती है। शिन अभी भी मतलब अंदर से ना संतुष्ट नहीं होता, वो दीवार को कूद के अंदर घुस के देखता है, विंडो तोड़कर अंदर जाता है और अंदर ब्लड फैला होता है और ये समझ जाता है कि यहाँ पर सुहो के साथ अच्छा नहीं हुआ है। तो उसको कॉल करता है, कॉल तो लग नहीं रही है। और एंड के सीन में हम देखते हैं डीलर को जो कि भाई उन दोनों को मार पीट के बेहोश करके अपने साथ लेकर जा रहा होता है। एपिसोड 3 यहाँ पर खत्म हो जाता है। और की शुरुआत में हम देखते हैं गिल बॉम्ब और सुहो दोनों को कार में डाल रहा होता है और बताता है कि तुमने पुलिस कैसे बुलाई यहाँ पर। तभी पुलिस आ जाती है और ये भाग जाते अपना सामान वामान लेकर यहाँ से। और गिल फिर ड्रग वाले को कॉल करके कहता है कि तूने और युंगी ने मुझे धोखा दिया है, अगर तू यहाँ पर नहीं आया तो मैं तेरे छोटे भाई को जो कि मेरे पास ही है उसको बेच दूंगा। तो ड्रग वाला डर जाता है, भागता हुआ गिल के पास जाने लगता है। इतने में युंगी को शिन कॉल करता है और कहता है कि तुमने जो एड्रेस दिया था ना वहाँ पर कोई भी नहीं है। युंगी इसको बताती है कि हाँ मैं तुम्हें दूसरा एड्रेस देती हूँ, तुम वहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाओ, जल्दी आ जाना वरना हम सब मारे जाएंगे। और युंगी ड्रग वाले से कहती है कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। और ये दोनों वहाँ पर अड्डे पर आते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है, मतलब गिल अंदर ही होगा। शुभ वो उसमें आकर बोम से कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा भाई। ये कहता है कि मैं पैसे देकर तुम्हें बचाने आया था। और सुबह कहता है कि पानी मिलेगा क्या, और एक गुंडा इसको मारने लग जाता है। ड्रग वाला भी यहाँ पर आ गया होता है और शिन भी यहाँ पर आ गया होता है बाहर जो कि पुलिस को कॉल कर रहा है। और यहाँ अंदर गिल ड्रग वाले को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, रहने को जगह दी, खाने को खाना दिया, पैसे दिए, और मुझे धोखा दिया तुमने। और ड्रग वाला कहता है कि मारो मुझे, और गिल इसको बहुत मारता है। युंगी रोकने आती है तो उसको पकड़कर उन दोनों के साथ अंदर बांध दिया जाता है। और गिल इनको फिर चाकू से मारने आता है, कहता है सबसे पहले कौन मरेगा। और सुहो को बस मारने वाला होता है ये, तभी ड्रग वाला आकर गिल को मारने लग जाता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, गिल ड्रग वाले को मारता है, पर युंगी आकर गिल के सर पे अटैक करती है और इसके जो फालतू के आदमी होते हैं उनको चाकू दिखाकर डरा रही होती है। ड्रग वाला अपने छोटे भाई को बोलता है कि जाओ भागो यहाँ से। और तभी गिल अचानक उठ के युंगी का गला दबाने लग जाता है। तभी बाहर पुलिस का सायरन बजने लगता है तो शिन भी आ गया होता है, पर गिल कहता है कि मैंने तुझे हल्के में ले लिया, तू तो यार बहुत खतरनाक निकला, यहाँ तक आ गया। और शिन कहता है कि पुलिस आ गई है। तो गिल अपने आदमी को लेकर से भागने लगता है। शिन सबको खोलता है और माफी मांगता है लेट आने के लिए। और इतने में गिल फिर से वापस आ जाता है, हाथ में फोन ले रखा होता है इसने जिसमें पुलिस का सायरन बज रहा होता है। मतलब शिन ने अपने फोन में पुलिस का झूठा हॉर्न बजाकर सायरन बाहर फोन को रख के पागल बनाया होता है इनको। बस फिर क्या था, लड़ाई शुरू। ये तीनों गुंडों से लड़ाई कर रहे होते हैं और युंगी ड्रग वाला और उसका भाई तीनों यहाँ से भाग जाते मौका पाकर। बाहर पुलिस भी आ गई होती, ये लोग पुलिस को देख लेते और इनसे भागने की कोशिश करते। यहाँ अभी तक लड़ाई हो रही होती, शिन की पिटाई हो रही है, दो लड़के उसको खूब मार रहे होते, गिल आकर इसे चाकू मारने वाला होता बट फेस में कट ही मार पाता है। और इतने में पुलिस आ जाती है, गिल पुलिस को ट्रिक करके यहाँ से भाग जाता है बट शिन उसके पीछे जाता है, आयरन रोड लेकर आता है, उसको मारने लगता है। पर गिल इसको मारने लग जाता है तो सुहो आता है और एंड में ना बहुत देर फाइट चलती है इनकी। फाइनली ये दोनों गिल को बेहोश कर देते हैं मार के। ड्रग वाला युंगी और अपने भाई को भगा देता है यहाँ से, खुद अरेस्ट हो जाता है। यहाँ पुलिस टीम आ गई होती है, सब अरेस्ट हो गए हैं। सिन सुहो बातें कर रहे होते, सुहो कहता है कि मुझे सूप पीने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ से सबको स्टेशन पर लाया जाता है। कॉप शिन को घर भेज देता है। बोम कहता है कि मेरे फादर को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ। एक्चुअल में जो कॉप होता है ना ये बोम के फादर को जानता है क्योंकि बोम के जो फादर है ना वो काफी बड़े आदमी होते हैं, मतलब यहाँ के काफी रिच पर्सन है वो। अब यहाँ बाहर शिन को युंगी मिलती है जो ड्रग वाले का पूछ रही होती, कहता है वो ठीक है, पूछताछ चल रही है उससे अभी। और यहाँ कॉप बोम को लेकर गिल के पास आया होता है और बोम से कहता है कि मारो इसको। गिल डरा हुआ है भाई, कहता है नहीं 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 मत मारो। और पुलिस वाला तो होता है ना ये कोप, इसको बहुत मारता है गिल को, बहुत पीट देता है उसको अच्छे तरीके से। और यहाँ हम ये भी जान पाते ना अच्छे तरीके से कि बोम के फादर की जो पहुँच है, पहचान है, अमीर है, मतलब कुछ भी कर सकता है, बहुत पावरफुल पर्सन होता है वो। और बोम यहाँ से भाग जाता है रोते हुए। यहाँ हॉस्पिटल में सुहो एडमिट होता है, युंगी सिन दोनों मिलने आते हैं इससे। सुहो कहता है कि अब आगे क्या होगा। सिन कहता है कि बोम की फैमिली संभाल लेगी क्योंकि वो काफी रिच है। सुहो कहता है कि हाँ बोम के पास तो कुछ चेयरमैन वेयरमैन है क्या, कुछ है क्या, क्योंकि उन्होंने ना मेरे हॉस्पिटल के बिल भी पे कर दिए हैं। युंगी कहती है कि क्या मैं आज रात को यहाँ पर रुक सकती हूँ तुम्हारे साथ। ये सुनकर सिन को जलन होने लगती है कि ये सुहो के साथ रुकने की क्यों बात कर रही है यहाँ पर। तो सुहो युंगी की एक्टिंग करने लगता है। युंगी कहती है कि तुम मेरा मजाक
क्यों उड़ा रहे हो, तुम मुझे पसंद करते हो क्या? मैं शिन को पसंद करती हूँ। शिन कहता है कि नहीं 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 मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और अपना हाथ छुड़ाता है। बट युंगी जो होती है ना बहुत ही वैसी होती है, मतलब हुक्म चलाती है, इसको पकड़ लेती है, इसको छोड़ती नहीं है, कहती है नहीं तुम मेरे हो, ऐसे वैसे करने लग जाती है, और उसको मारती भी है, कहती है तुम मेरे हो ऐसा कुछ। अब शिन घर आ जाता है यहाँ से, तो इसको ना फिक्र हो रही होती है कि मेरी युंगी वहाँ पर कैसी होगी, उसके साथ क्या होगी। तो ये खाना लेकर फिर से हॉस्पिटल में आ जाता है, और सुबह कहता है कि यहाँ क्यों आए हो तुम। फिर से ये कहता है कि मैं सूप लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें सूप पीने का मन कर रहा है। और ये कहता है कि यार तुम इतने अच्छे कब से हो गए। सुबह इसको ऐसे बोलता है, और सीन स्माइल करता है। पहली बार सुबह के साथ हम सब भी सीन को स्माइल करते हुए देख सकते हैं। एंड में हम बोम को देखते हैं, जिसके फादर ने उसके कपड़े उतरवा कर उसको गोल्फ स्टिक से पीटना शुरू कर दिया होता, मतलब उसको भाई गोल्फ स्टिक से मार रहा है उसका बाप, जो भी पगलाट आदमी क्या है ये। मतलब जितने भी कोरियन शो होते हैं ना, इनमें जितने भी रिच फादर होते हैं अपने बच्चों को इतनी बुरी तरह से मारते पीटते क्यों रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बॉम, जो कि लंगड़ाते हुए बेचारा स्कूल आया होता है, क्योंकि इसके फादर ने लास्ट नाइट को इसके अच्छे से तुड़ाई की होती है। बच्चे कहते हैं कि भाई क्या हुआ, हमने सुना है कि कल तुमने पुलिस को दे दिया था। बॉम कहता है हाँ, और अंदर आता है, शिन से बातें करता है। फिर लंच करते हैं तीनों। शिन सुहो को खाना खाते हुए देखता बड़ी हैरानी से, और कहते हैं कि यार तुम इतना खाना कैसे खा सकते हो। सुहो कहता है कि मैं सारा खा जाऊंगा, और तुम सब मेरे साथ इस वीकेंड एक रेस्टोरेंट में चलोगे खाना खाने के लिए। सिन कहता है कि तुम यार खा रहे हो अभी और भी खाने की बात कर रहे हो। तो सुहो कहता है कि क्या हम जीते हुए जिंदगी की बात करना बंद कर दें। और ये सुन के ना मतलब सब हंसने लग जाते हैं। और सिन फिर सुहो से कहता है कि युंगी को पार्ट टाइम नौकरी मिल गई क्या। बोम कहता है कि युंगी कौन है ये। सिन कहता है कि वो पुलिस के साथ जो लड़की रहती थी ना, वो ही युंगी है। और घर आकर बोम रेडी होकर पैसे उठाता है, जेब में रखता है, और सुहो का इंस्टा चेक करने लगता है और उसको फॉलो करता है। और फिर इसमें ये युंगी की प्रोफाइल भी देख लेता फॉलोइंग में, और फिर उसको भी खोल के देखता है, जहां पर सुहो और युंगी की साथ की फोटोज होती हैं। बस भाई यहां से पूरा ड्रामा चेंज हो जाता है। अब इसको देखने के बाद ना बोम को पता नहीं क्या हो जाता है, और यहाँ सिन आज अपनी मोम के साथ भी डिनर करने आया होता है। मोम की तभी कॉल आ जाती है और यहाँ से उठ के चली जाती है। हमें अभी बताया जाता है कि इसकी मोम एक अच्छी मोम नहीं होती, वो बेकार मोम है। और वीकेंड आ जाता है, सुहो सबको लेकर कैफे में आया होता है। बोम अजीब हरकतें कर रहा है यहाँ पर, युंगी को देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, अजीब अजीब फेस बना रहा होता है, सुहो को भी अजीब तरीके से देख रहा होता है। और फिर यहाँ से चारों कैरियोके में जाते हैं। युंगी सुहो के साथ गाना गा रही होती है, बोम अभी भी दोनों को अजीब तरीके से देख रहा, मतलब पता नहीं क्या हो गया इसको, और ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर ड्रिंक लेने वाला होता है, तो इसको इसके जो पहले स्कूल के बुलीज थे ना, जिसको परेशान किया करते थे, तो वो दिख जाते हैं और कहते हैं कि बोम मेरे दोस्त कैसे हो तुम। बोम डर के यहाँ से भाग जाता है, और यहाँ आता है तो युंगी ने ना इसका फोन उठा लिया होता है, उस पर किसी की कॉल आ रही होती है। अब यहाँ पर मैं बता दूं, ऐसे बताया नहीं है, ये एक्चुअल में पुलिस की कॉल होती है, जो अभी इसको ढूंढ रहे थे थोड़ी देर पहले। ओके, अब बम भड़क जाता है, कहता है कि तुमने किससे पूछकर मेरा फोन उठाया। सुहो इसको रोकता है, कहता है गुस्सा क्यों हो रहे हो इसके ऊपर, और युंगी भी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। सुहो मनाने जाता है, और शिन कहता है कि तुम अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें। और फिर से वहीं बुलीज आ जाते हैं, और इसे सूंघते सूंघते हैं कुत्ते होते हैं एक नंबर की, और कहते हैं बोम मेरे दोस्त कैसे हो तुम, हमें ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। शिन कहता है कि ये लोग कौन है। लड़के कहते हैं कि हम इसके दोस्त हैं, और बोम को धमकी देते हैं कि जब फोन करेंगे ना तो आ जाना, और यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं यहाँ से क्लास में। यहाँ बोम सोया होता है, कुछ स्टूडेंट हंस रहे होते हैं, अपनी मस्ती मार रहे होते हैं, तो बोम उठता है, पता नहीं क्या हो गया इसको, गुस्सा आता है, उनके पास जाता है, कहता है चुप हो जाओ तुम लोग गुस्से में। शिन आकर कहता है कि क्या हो गया। लड़के कहते हैं कि ये बोम खुद को ना हीरो समझ रहा है, क्योंकि आजकल ये सुहो के साथ रहने लग गया, सुहो का दोस्त बन गया ना, तो ये सोचता है कि सबको मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तभी सुहो आ जाता है और बोम को कहता है कि चलो मेरे साथ। बोम इसे कहता है कि मेरे कंधे पर से हाथ हटा लो, आज के बाद कभी रख मत देना हाथ। सुहो सोचता है कि यार अब इसको क्या हो गया। रात को बोम घर आ जाता है, और दोनों इसको कॉल कर करके परेशान हो रहे होते हैं, बट ये फोन स्विच ऑफ कर देता है। और अगली सुबह सुहो शिन को मिलने बुलाता है, यहाँ पर भी दोनों बोम की ही बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि पता नहीं यार क्या हो गया इसको, कहते छोड़ो हमें क्या। फिर सुहो शिन को प्रैक्टिस करवाता है फाइट की। और दिन में बोम के घर जाते हैं, कहते हैं कि कॉल क्यों नहीं उठा रहे तुम। ये कहता है मेरा फोन साइलेंट पर था। बोम का घर देखते हैं लोग, सुहो कहता है कि मतलब कितना सुंदर घर है तुम्हारा, कितना बड़ा है, चौंक जाता है इसका घर देखकर। और फैमिली फोटो देखकर कहता है कि तुम्हारी मम बहुत ही खूबसूरत है। बोम कहता है कि ये मेरी फैमिली नहीं है, मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मतलब मेरे बाप ने मेरे को अडॉप्ट किया था, ताकि वो पॉलिटिक्स में ना मतलब अपनी अच्छी इमेज बना सके। फिर ये लोग नॉर्मली बातें करने लग जाते हैं। इसके बाद शिन कहता है कि वो लड़के कौन थे जो तुम्हें उस दिन आए थे ढूंढते हुए। बोम कहता है कि वो मेरे लास्ट स्कूल के बुलीज थे, वो मेरे को मारा पीटा करते थे, जबकि मैं कोई गलती भी नहीं करता था, ना उनसे मतलब रखता था, फिर भी मुझे दिन भर मारते रहते थे, पकड़ के बुली करते थे, इसलिए मैंने स्कूल चेंज कर दिया। अब ये सुन के इनको गुस्सा आ जाता है,
और सुहो कहता है कि कॉल करो उसको, और कॉल करके मिलने बुलाता है। सारे लड़के कैरियोके में होते हैं। यहाँ ये लोग आते हैं। बोम कहता है कि माफ़ी मांगो मेरे से। बुली कहता है कि नहीं मांगो, और इसका मजाक बनाने लग जाता है, और इसको मारने के लिए भी आता है। और कहते हैं कि वो सब ना हम फन में किया करते थे, हम तो दोस्त हैं ना, और दोस्तों के बीच ये सब तो होता ही रहता है। हर कोरियन मूवी में सेम डायलॉग होता है बुलीज का, कि हम तो दोस्त हैं और ये सब फन के लिए करते हैं। अब सुहो कहता है कि अगर तुम लोगों को मरना नहीं है ना, तो माफ़ी मांग लो इससे, और उसका कान पकड़कर घुमा देता है। लड़का माफ़ी मांगता है, बोम इसे थप्पड़ मारता है, तो बुली भी इसको थप्पड़ मार देता है। सुहो फिर बुली को पकड़ लेता है, और बोम इसको माइक उठाकर मारने आता है। सुहो इसको रोकता है और बाहर लेकर चला जाता है। शिन कहता है कि आज के बाद बोलना मत, बोम से कुछ नहीं मिलना। बाहर बोम कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ। सुहो कहता है क्या हुआ? बोम कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर ना दम घुटता है मेरा। सुहो फिर से कंधे पर हाथ रखता है, उसका हाथ हटाकर कहता है कि मुझसे दूर रहो, मुझे ऑर्डर मत दिया करो, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा, नहीं चलूंगा मैं। सुहो कहता है कि क्या हो गया, तुम पागलों जैसे क्यों बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर बोम कहते हैं क्या हुआ, हेल्प कर रहे हो, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूँ, पेमेंट करूँ। अब ये सुनकर सुहो को गुस्सा आ जाता है, इसको पकड़ लेता है वो, और शिन आकर रुक पाता है। और फिर यहाँ से सुहो चला जाता है, बोम भी चला जाता है। बोम का पीछा करता हुआ शिन बाहर आता है, पूछता है क्या हो गया है तुम्हें। कहता है कुछ नहीं, और आगे जाता है। तो जाते वहीं बुली जो कि अभी पिटे हैं थोड़ी देर पहले, उसको फिर से कॉल कर रहे होते हैं, मतलब उनको अच्छे से खुराक मिला नहीं होता, समझ नहीं पाए अच्छे से। और अचानक रोड पर इसको ना भी जो करंट स्कूल में जो बिन था ना, उसके जो फ्रेंड थे ना बुलिस थे ना, वो भी दिख जाते हैं। मतलब एक तरफ इधर भी बुलिस है, एक तरफ इधर भी बुलिस का ग्रुप है, और ये बीच में होता है, दोनों टीम आमने सामने। तो जो करंट स्कूल वाले होते हैं ना, होते हैं भूखे नंगे एक नंबर के, गरीब होते हैं, ठीक है, और चोर तो होते हैं बहुत बड़े, नशेड़ी भी हैं। तो ना ये सोचते हैं ना कि ये जो सामने जो इसके दोस्त है ना, पहले वाले स्कूल के जो बुलीज हैं, ये बहुत अमीर है, क्योंकि उस स्कूल में अमीर बच्चे पढ़ा करते हैं खाली, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये करंट वाले बुलीज वो पास्ट वाले बुलीज को उठा कर ना खोपचे में लेकर जाते हैं, ठीक है, बेसमेंट में, और कहते हैं ना कि हाँ भाई मारो और पैसे दो, और इनसे पैसे वैसे छीन रहे होते, बट इनमें से किसी भी बुलीज के पास पैसे नहीं निकलते। पढ़ा एक काम यहाँ पर अपना बोम कर लेता, वो मतलब बुली को बहुत मारता। और यहाँ पर तो सुहो भी नहीं है जो कि रोकेगा, जो कि सुहो पहले रोक रहा था। और मारने के बाद फिर ये लोग इसको लेकर ना बोम को चले जाते हैं क्लब के अंदर। बोम क्लब में आकर बहुत खुश होता है। लड़का कहता है कि यार हम तो उनको मार के पैसे लूटने वाले थे, बट उनके पास तो पैसे नहीं थे। तो बोम अपना पर्स निकालता है और उसमें तो बहुत सारे पैसे निकाल कर इनको दे देता है, और ये मतलब खुश हो जाते हैं सारे भूखे नंगे, और इसका नाम शेयर करने लग जाते हैं। बोम ड्रिंक करता है और सुहो को इंस्टा से अनफॉलो कर देता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले उसने फॉलो किया था। और यहाँ से उठ के लड़कियों के पास जाता है, उनसे ड्रिंक बनवाता है और पीता है। और बाकी के बुलिस देख कर ना ये मतलब खुश हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि आज तक हम नहीं कर पाए ये काम, और इसने कैसे कर दिया। और फिर यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके, एपिसोड की शुरुआत में होती है, बोम क्लास में लेट आया होता है आज, क्योंकि भाई भाई की ना रात की ना उतरी नहीं होती है। शिन देख रहा होता है इसको, क्या हो गया ये। क्लास के बाद शिन कहता है कि तुम पीकर आए हो क्या कुछ। बोम उठ के बुलिस के पास चला जाता है बिना कुछ कहे, और उनसे बातें करने लग जाता है रात की, और तीनों खूब मस्ती करते हैं रात की बातें कर करके, और यहाँ से फिर चले जाते हैं। सिन ये सब देख रहा होता है कि यार क्या कर रहा है ये लड़का, पागल हो गया क्या। और फिर सब लैब में आते हैं, यहाँ पर सब अपने अपने ग्रुप के पास बैठ जाते हैं। यहाँ पर सुहो शिन से कहता है कि हमारे ग्रुप का मेंबर यानी बॉम कहाँ पर है, वो आया नहीं है क्या। फिर कहता है पीछे देखो पीछे, और वो पीछे देखता है तो वो बुलिस का ग्रुप ज्वाइन कर चुका होता है बॉम जो होता है। और शिन बॉम से कहता है कि मुझे बात करनी है तुमसे, तुम्हें हुआ क्या, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम। बॉम कहता है क्या मतलब है। शिन कहता है कि तुम मेरी कॉल नहीं उठाते ना, बात करते हो हमसे, क्या हो गया। बॉम कहता है कि मैं नहीं जानता कुछ भी। शिन इसे बुलिस के साथ दोस्ती करने की बात पर भी टोकता है कि तुम्हें उनके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, पर बॉम इसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है, ये बोल के कि तुम दोनों मुझे फ्रेंड बना के मुझे नीचा दिखाते हो। सुहो सब सुन रहा होता है और खड़ा होकर देख रहा है कि कैसी बदतमीजी कर रहा है ये। और बोम पुलिस के साथ फिर से क्लब में आ जाता है शाम को। यहाँ पर आज बिन भी होता है, वही मेन वाला पुलिस जिसको हमने शुरू में देखा था। और बिन बोम को अपने सभी फ्रेंड से मिलवाता है, बताता है कि ये नेता का बेटा है। अब ये सुनकर ना वही कुछ लड़कियां बैठी होती जिनके कान वान खड़े हो जाते, काफी इंप्रेस हो जाती है, ओहो हो काफी रिच है ये तो, रिच गाय मिल गया बहुत बढ़िया। और फिर इसे एक फाइटर से मिलवाता है, ये जो फाइटर होता है नहीं, इसका दोस्त होता है एक्चुअल में बिन का, और कहता है कि तुम सिन और सुहो से अलग हो गए मैंने सुना है, अब हमारे दोस्त बन जाओ तुम। बोम कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ अब। और कहता है कि सुहो खुद को ज्यादा समझता, मतलब हीरो मानता है अपने आप को। बिन कहता है कि वो नीचा दिखाता है सबको, उसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ सिन को देखते हैं अपनी कोचिंग के बाद घर जा रहा होता है, तो रास्ते में इसको बाहर मतलब सुहो दिखता है और इसे बुला के कहता है कि लॉन्ग ड्राइव पे चलोगे क्या, और इसका हेलमेट पहनाता है और कहता है कि तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, और इसको दूर ले जाके इसे एक सामान देकर कहता है कि जाओ इसके डिलीवरी करके आओ, मैं अभी आता हूँ एक और डिलीवरी करके। शिन कहता है कि तुम मुझसे काम करवाने के लिए लाए हो गए यहाँ पर। ये कहता है कि नहीं 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 ये तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है।
और डिलीवरी के बाद दोनों बातें करते हैं। इन्हें अच्छे से पता है कि वह बुली इस बॉम का यूज़ कर रहे हैं, उसके पैसों को उड़ाते हैं, उसके पैसों को खर्च करते हैं। सुहा कहता है कि पागल हो गया है वो, उसे पॉपुलर होना है इसलिए वो पुलिस के साथ घूम रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगले दिन तक अब बॉम पुलिस के साथ सिगरेट वगैरह गांजा वांजा फूकने लग गया होता है, बिगड़ गया होता है एकदम डोंडा, और क्लास में आकर सीट भी चेंज कर दी होती है इसने। अब पुलिस के साथ बैठता है, ये सीन ये सब देख रहा है और बेचारा बहुत दुखी होता है कि मतलब क्या कर रहा है यार ये। तो इसलिए दोनों पुलिस को अकेले में बुलाकर उनसे कहता है कि देखो तुम दोनों उसे यूज़ कर रहे हो, मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम उसके पैसे बर्बाद करवाते हो, उसके पैसे से महंगे महंगे जूते और कपड़े खरीद कर घूमते रहते हो तुम लोग, मुझे सब पता है। पुलिस कहते कि देखो हमने कुछ नहीं किया, वो खुद हमारे ऊपर पैसे उड़ाता है तो हम क्या करें। सुओ ये सब सुन रहा होता है और शिन को बुलाता है, कहता छोड़ यार चला खाना खाने चलते हैं। खाने की लाइन में अगर लग जाते हैं लोग। शिन कहता है कि बॉम ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो काफ़ी अकेला है। तब यहाँ पर बुलिस आ जाते हैं और लाइन को तोड़कर आगे खाना लेने लग जाते हैं। बुलिस अब मैं बोलूँ तो इसमें अब समझ जाना कि बॉम भी शामिल हो चुका है। सुओ कहता है कि हाँ भाई कहाँ लाइन नहीं दिख रही तेरे को। लड़के कुछ कहते नहीं है, सुओ इसे धक्का दे देता है जाकर, कहता है अब लाइन में लगी, और मतलब एक को धक्का पड़ा तो बाकी सारे भी जाके लाइन में पीछे लग जाते हैं डर के मारे, बट बट बट। बॉम यहीं पर खड़ा होता है, सुओ कहता है कि देख मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, तू जाके चुपचाप लाइन में लग जा। ये नहीं मानता है बॉम, नहीं मानता है सुओ की बात, तो बॉम को भी ये धक्का दे देता है। शिन आकर इसको रोकता है, अब यहाँ से बेइज्जती हो गई है बॉम की, तो बाहर जाता है। बुली से कहता है ऐसा लड़का बताओ मुझे जो सुओ को हरा सकता है, मैं उसको पैसे दूंगा। और लड़के इसको लेकर जाते हैं बिन के पास, और बिन के फ्रेंड उसी फाइटर को बुलाया जाता है, उसकी वीडियो भी दिखाते हैं लोग। और बॉम जब इस लड़के से मिलता है तो कहता है मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, तुम्हें सुओ को हराना होगा। लड़का कहता है कि कब करना है ये काम बताओ। बॉम कहता है कि इसी सैटरडे को उसको बहुत मारना है। एक बुली कहता है कि इनका कॉम्पिटिशन देखने में बहुत मजा आएगा। ये अभी भी फाइट करता है और सुओ फाइट छोड़ चुका है। ओके यहाँ पर हम कुछ सुओ के बारे में जान लेते हैं। सुओ जो होता है ना ये एक्चुअल में एक फाइटर होता है, इसलिए इतनी अच्छी फाइट कर लेता है और ज़्यादा ज़्यादा खाना खाता है, क्योंकि एक फाइटर है तो फाइटर की बॉडी को खाना चाहिए होता है, और थका थका भी फील करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, काम करता है, तो इसी वजह से बहुत सोता है और सभी उससे डरते हैं। इसलिए है ना बुलिस वुलिस कोई से फालतू नहीं बोलता क्योंकि सबको पता है कि वो बहुत मारेगा। और बिन वहीं पर बैठा हुआ अंदर अंदर हंस रहा होता है, इसको तो मतलब भाई अलग ही चल रहा है इसका, खुश है कि पिटो सारे मरो एक नंबर जाके यहाँ से। सुओ यहाँ डिलीवरी कर रहा होता है, इसी बीच तीनों बुली आकर इसके स्कूटर का ब्रेक व्रेक कट कर देते हैं, और जब वापस ये स्कूटर लेकर जा रहा होता है ना तो बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन बेचारा लंगड़ाते हुए स्कूल में आता है, बॉम इसे देख रहा होता है। सुओ कहता है कि ऐसे मत देखा करो मुझे, मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है। शिन पूछता है कि लगी कैसे, सुओ कहता है कुछ नहीं। और यहाँ घर पे यूंगी और शिन फिर शाम को सुओ के बर्थडे की प्लानिंग कर रहे होते, सब सजा बजा रहे होते हैं अच्छा खासा। शिन को फोन देकर यूंगी कहती है कि मेरी फोटो क्लिक कर दो। शिन हंसता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ही बर्थडे है। यहाँ पर बॉम आ गया होता है अड्डे पर और सुओ को कॉल कर रहा है बुलाने के लिए कि आजा भाई यहाँ पर लड़ाई वड़ाई होने वाली है ना, पर कॉल लगती नहीं है। यह शिन मस्त सूप बना रहा होता है सुओ के लिए क्योंकि सुओ को सूप बहुत पसंद है। तभी यूंगी के फोन पर बॉम का मैसेज आता है और कहता है कि कैसी हो तुम, आज तो उसका बर्थडे है, सुनो मैंने उसके लिए गिफ्ट खरीदा है तो मैं तो मिलूंगा नहीं उससे, तुम आकर मुझसे ये गिफ्ट ले जाओ इस कैफे में। यूंगी फिर शिन को शॉप का बहाना करके यहाँ से भागती है कैफे के लिए, और कैफे में मिलती है उससे, कहती है कि तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारी और उसकी दोस्ती वापस से करवा दूंगी। और बस फिर क्या था, ये कहता है कि नहीं 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 उसकी ज़रूरत नहीं, और दिखाता है इशारे करके। यहाँ पर सारे नामर्दों की फौज बैठी होती है, मतलब किडनैप करने आए होते हैं लोग यूंगी को, मतलब जितने भी बुलिस वुलिस होते हैं स्माइल कर रहे हैं बैठ के बदतमीजों की तरह। और यहाँ बॉम ना बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल करने लग जाता है। सीन आ जाता है घर में, दोनों यहाँ पर मस्त पबजी खेल रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। यूंगी आई क्यों नहीं, केक कब कट करेंगे। शिन कहता है कि आ जाएगी ना फिर कर लेंगे। सुओ कहता है ओके, पर शिन कहता है चलो खाना खा लेते हैं। सुओ कहता है ओके और खाने को गर्म करने लग जाता है। इतने में सुओ के फोन पर ना बॉम का मैसेज आता है, यूंगी की फोटो भेजता है, ये उसे हॉस्टेज बनाकर रखा होता है नामर्दों ने, और सुओ को ना बुला रहे होते हैं वहां पर। शिन यहाँ पर देखता है और बॉम को ना पहले ब्लॉक करता है इसके फोन में से, और सुओ से कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ तुम बैठकर इंतजार करो, चला जाता है। और यहाँ से सीन आ जाता है अड्डे पर, भाई इन लोगों ने यूंगी को पकड़ के रखा होता है। बॉम कहता है कि तुम तो उसे डेट कर रही हो ना, ये कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और शिन आता है यहाँ पर, यूंगी उसके पास भाग कर चली जाती है और दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। यूंगी तो ऐसे भाग जाती है बट शिन को ये लोग पकड़ लेते हैं और शिन इनको मारना शुरू करता है। शिन इनको बहुत पीटता भाई इन लोगों को, पर ना यहाँ पर तभी फाइटर आ जाता है और बस फाइटर से नहीं जीत पाएगा ना ये, तो फाइटर इसको मारता है और बिन आकर इसको मारने लग जाता है, एक रोड उठाकर लाता है उससे भी मारता है। बॉम इसे रोकता है तो बिन कहता है कि तुम इसे अभी भी दोस्त बनाना चाहते हो क्या जो रोक रहे हो, और मारने लग जाता है इसको। इतने में एक लड़का आता है, कहता है यूंगी बाहर पुलिस लेकर आ गई है भागो, और सारे गुंडे जो होते हैं स्टूडेंट तो भाई है ही नहीं, गुंडे होते हैं सारे, भाग जाते हैं यहाँ से। और यहाँ सुओ दोनों का वेट कर रहा है बेचारा, इसको भूख लगी होती है, आराम से बैठा हुआ घर के अंदर सोच रहा है कि कहाँ चलेगा दोनों। और यहाँ शिन जो है अधमारा लेटा हुआ होता है। शुरुआत में हम
पुलिस एम्बुलेंस को देखते हैं जो कि आ गई होती है। शिन को बचा लिया गया है। योंगी पुलिस को गवाही दे रही होती है कि ये सब बॉम्ब ने किया है और मुझे कैफे में बुलाया, वहां पर नामर्दों की टीम लेकर बैठा हुआ था और बाकी सारी चीजें। तभी शिन उठता है, पुलिस इससे पूछती है कि क्या हुआ था बताओ। ये कहता है कि मैं वहां अकेला था और मुझे चोट आ गई ऐसी, मतलब किसी ने मारा नहीं है मेरे को। पुलिस वाले कहते हैं झूठ मत बोलो, डरो मत, हम तुम्हारे साथ है। ये कहता है कि मैं अकेला ही था। युंगी के लाख कहने पर भी सच नहीं बताता और युंगी से कहता है कि सुहो को कुछ मत बताना। यहाँ सुहो अभी तक घर में अपने बर्थडे का मतलब वेट कर रहा होता है बेचारा। और यहाँ पर शिन बॉम को कॉल करके कहता है कि मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुम्हें, ये सब रोक दो, मत करो ये सब। यहीं से हम शिन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर इसके माता पिता बहुत लड़ाई किया करते थे घर में जब ये छोटा था। शिन ये देखता था और रूम में अपने आप को बंद करके पढ़ाई करने लग जाता था। इसके माता पिता डोर को खुलवाया करते थे पर वो एक नहीं सुनता था उनकी। यहाँ पर हॉस्पिटल में भी अभी सेम हो रहा होता है। इसके फादर इसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ बताओ। ये कहता है कि मैं सीढ़ियों से गिर गया था और कुछ सच नहीं बता रहा होता। इसके फादर कहते हैं कि अब टाइम आ गया कि तुम्हारा ट्रांसफर करवा दिया जाए दूसरे स्कूल में। शिन कहता है कि आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लग गई अचानक से। यहाँ बॉम के घर में देखते हैं, इसके फादर का असिस्टेंट जो होता है ना वो इसको खोज रहा होता है क्योंकि बॉम को अब विदेश में भेजा जाने वाला पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आके वैसे भी अच्छे काम कर नहीं रहा है। और बॉम ये सारी बातें ना रूम में चुपके सुन रहा होता है। यहाँ से आ जाते हैं स्कूल में। सुबह देखता है कि शिन और बॉम दोनों स्कूल नहीं आए। ये थोड़ा सोच में पड़ जाता है। शिन हॉस्पिटल में ही वो पढ़ाई कर रहा है और सुहो इसको कॉल करता है तो ये काट के कॉल को रख देता है, नहीं उठाता है। सुहो गुस्से में युंगी से कहता है कि कल मेरा बर्थडे था और तुम सब गायब हो गए। युंगी सॉरी कहती है। फिर सुहो शिन के घर जाता है पर यहाँ उसको कोई नहीं मिलता। तो अगले दिन स्कूल में दोनों बुली से पूछता है और कहता है कि बॉम कहाँ पर है। बुली मना करता है। ये कहता है कि बॉम तुम्हारा फ्रेंड है, तुम तो हाथ में हाथ डाल के घूमते हो, तुम्हें नहीं पता कहाँ है वो। थोड़ी देर बाद लंच हो जाता है। लंच में सारे बुली छत पर इकट्ठे होकर बातें कर रहे होते। एक बुली बॉम को कॉल कर रहा होता है पर कोई जवाब नहीं आ रहा सामने से। फिर एक दूसरा बुली कहता है कि देखो यार मेरे को तो लगता है कि सिर्फ स्कूल नहीं आ रहा, शायद वो मर गया होगा। फिर वो पहला बुली कहता है कि नहीं नहीं अगर वो मर गया होता तो टीचर ने हमें उसके फ्यूनरल के बारे में जरूर बताया होता। और ये सारी बातें सुबह सुन रहा होता है खड़ा होकर। सबको लाइन में खड़ा करके इनको खूब मारता है और मारपीट करने के बाद एक बुली बता देता है कि हाँ युंगी को बॉम ने किडनैप किया था, तुम्हारी जगह पे सीन आ गया और उसको फिर मारा सबने मिलके। बस सुहो इसे मारता है और युंगी के पास जाता है कि कौन से हॉस्पिटल में है सिन। युंगी कहती है कि आज वो डिस्चार्ज हो गया होगा, घर पर मिलेगा तुम्हें वो, तुम इन सब से दूर रहो, वो बस यही चाहता था। सुहो फिर शिन के घर जाता है। शिन अपना डैमेज हाथ को छुपा रहा होता है और ये पूछता है ना उससे कि ठीक हो तुम। शिन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। सुहो कहता है स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, कल आ जाना क्योंकि फाइनल एग्जाम है कल, चले आना। और ये कहता है ठीक है। और यह घर में हम बॉम के फादर को देखते हैं जो कि घर में घुसते के साथ ही बॉम को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, बहुत मारते हैं इसको और कहते हैं मेरी बात नहीं मानते तुम, आगे से किसी को मत बताना कि तुम मेरे बेटे हो, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहने में। और बॉम यहाँ से गुस्से में निकलता है बाहर, असिस्टेंट मिलता है, इसको रोकने की कोशिश करता है बट बॉम आगे की साइड बढ़ता चला जाता है। यहाँ सुहो ने बीन को पकड़ लिया होता है उसी बुली को और पीट रहा होता है, बॉम के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ है वो। तभी बॉम इसे कॉल करता है और धमकाता है और फिर उस बॉक्सर को कॉल करके कहता है कि आज फाइट होने वाली है सुहो से, आ जाना वहीं पे, यानी बॉक्सिंग क्लब के अंदर। और सुहो आ जाता है बॉक्सिंग क्लब में। या दूसरी तरफ युंगी से मिलते हैं जो शिन को कॉल करके पूछ रही होती है कि कहाँ पर है सुहो, क्योंकि वो आज काम पर भी नहीं आया और ना ही कॉल उठा रहा है, शायद वो बॉम से मिलने गया होगा। या सुहो अंदर आ गया होता है, सारे बुलीज यहीं पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे गुंडे होते हैं लोग, स्कूल के कपड़े पहने इन पर हते गुंडे हैं सारे, मतलब स्कूल स्टूडेंट होते हैं एक तरह से। सुहो बॉम के पास जाता है और इसको सॉरी कहता है, कहता मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया, तुम भी जाकर शिन और युंगी से सॉरी बोल दो और सब कुछ खत्म कर दो, मतलब एक तरह से चाहता है कि सब ठीक हो, दोस्ती वोस्ती हो जाए पहले की तरह। पर बॉम मना करता है। सुहो गुस्से में इसको एक पंच करता है और इतने में बॉक्सर कहता है कि उस बच्चे को क्या मार रहा है, मुझसे आगे लड़ाई कर। सुहो कहता है कि अच्छा इसे पैसे देकर लाया मुझे लड़वाने के लिए, पहले मैं वार्म अप तो कर लूँ। और भाई वार्म अप के बहाने ना जितने भी बुलीज होते ना बहुत पीटता है इनको, बहुत मारता है सुहो सबको, पीट देता अच्छे से। और फिर बॉक्सर से लड़ाई होती है। बॉक्सर ने यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी होती है अपने और सुहो के, तो फाइट की ना लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है ये। बस फिर क्या था, सुहो इसको पीटना शुरू करता, सुहो इसको भी पीट देता अच्छे तरीके से, पर ना एक बुली चीटिंग करके सुहो को गिरा देता है और इसका फायदा उठाकर बॉक्सर इसको मारता है। और इसी का फायदा उठाकर भी बॉम आता है और बॉम सुहो को लात 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 मतलब मारने लग जाता है उसको बॉक्सिंग में लिटाकर और बहुत मारता है।
ओके तो यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, सुहो के बारे में हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था, बट यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें जो डिस्कस, सुहो जो होता है ना इसका कैरेक्टर बहुत अजीब है। ये पहले ना अपने फादर से पिटता है ये घर के अंदर, ठीक है, पहले उन्हें फादर से पिटाई खाता है, और जिस तरीके से इसका फादर इसको मारते हैं ना, ये उसी तरीके से सुहो को यहाँ पर मार रहा होता है। ये अपना गुस्सा एक तरह से सुहो पर उतार रहा है जो इसके फादर का गुस्सा है। ओके और इसी का फायदा उठाकर बाकी के सारे बुलीज बिन और उसके फ्रेंड्स भी आकर सुहो को मारने लगते हैं, और सुहो बेहोश हो जाता है। इतने में असिस्टेंट आकर उसको अलग करता है बॉम्ब को, और सुहो की सांस चेक करते हैं तो उसकी सांसें बंद हो गई होती है, तो सुहो मर गया। अब असिस्टेंट बुली को रोक लेता है और कहता है कि इसे लास्ट लात तुम लोगों ने मारी थी, तो पुलिस को गवाही भी तुम ही दोगे। बॉम्ब सुहो को चेक करता है और रोने लग जाता है क्योंकि उसकी सांसें नहीं चल रही होती, और असिस्टेंट इसको लेकर चला जाता है। सुहो यहाँ पर पड़ा हुआ है, कुछ भी होश नहीं है उसको। युंगी और शिन उसी जगह पर गए हुए हैं जहाँ पर युंगी को किडनैप किया गया था। इनको लगा कि यहीं पर लड़ाई हो रही होगी, बट यहाँ पर कोई नहीं होता, पूरा जगह खाली है, और फिर इनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए क्योंकि सुहो तो वहां पर पड़ा हुआ है रिंग के अंदर। और यहाँ पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। ओके तो लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है क्लासरूम में, जहाँ पर हम तीनों फ्रेंड्स को बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। सुहो उठ के जॉब पर चला जाता है, बॉम उठकर घर चला जाता है, और शिन यहीं पर बैठा हुआ है। एक्चुअल में सब शिन सोच रहा था, कोई नहीं था यहाँ पर उसके अलावा। अगले सीन में हम क्लब में देखते हैं सुहो को, जो कि वहीं पड़ा हुआ है अभी तक। असिस्टेंट बुली को सिखा पढ़ा रहा होता है कि देखो जब पुलिस वाले आएंगे तो तुम्हें क्या बोलना है, कि हम सब बस यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी बीच हादसा हुआ और सुहो को चोट लग गई, और अगर तुम लोगों ने इसके अलावा कुछ भी और बोला तो मैं तुम्हें जुवेनाइल में भेज दूंगा सीधा। यहाँ से सुहो को एम्बुलेंस में डाला जाता है, और इसके फोन से असिस्टेंट शिन को मैसेज करता है कि मैं बाहर आया हूँ कहीं पर, जल्दी तुम्हें मैसेज या कॉल करूंगा, और बुली कॉप को वहीं सब जाकर बोल देते हैं जो कि असिस्टेंट ने सिखाया होता है, तो बच जाते हैं ये लोग। घर पे बॉम्ब आया होता है और इसके फादर इसे पीट रहे होते हैं और कहते हैं कि तुझे दूसरी कंट्री में ले जाकर मैं मार दूंगा, बहुत मारते हैं इसको। अगले दिन शिन हमेशा की तरह जल्दी जल्दी स्कूल आया होता है, सुहो क्लास में नहीं है, और आज एग्जाम भी होता है। सुहो ने कल इसको कहा था कि कल एग्जाम है तो आ जाना, और खुद नहीं आया आज। तो एग्जाम के बाद मोबाइल कलेक्ट करते हुए देखता है कि युंगी की बहुत सारी कॉल्स आई होती हैं, और युंगी सब कुछ बता देती है शिन को। सुहो हॉस्पिटल में है और उसका मेडिकल बिल भी पता नहीं किसने पे कर दिया है, और सुहो की दादी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाए गए हैं, वो क्या थे नहीं पता। शिन आता है और यहाँ सुहो को एडमिट देखता है, और दादी भी वहीं बैठी हुई है उसकी, और कहती है कि तुम सुहो के दोस्त हो ना, ये कहता है हाँ। दादी कहती है कि तुम शिन हो पक्का, और शिन रोने लग जाता है। सुहो एक्चुअल में ना अब कोमा में चला गया, उठेगा नहीं उठेगा कोई भी चांस नहीं उसके उठने के। वहीं पर फिर शिन और युंगी दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। युंगी कहती है कि तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें चले जाना चाहिए, और शिन यहाँ से उठता है बहुत गुस्से में, ये उठ के यहाँ से निकल जाता है। अब देखना क्या करेगा ये। यहाँ बॉम के फादर ने इसे बोला होता है कि कल स्कूल में जाएंगे हम, और वहाँ जाकर सबको बाय बाय बोलेंगे क्योंकि हम अब विदेश जाने वाले हैं। बॉम कहता है कि सुहो जिंदा तो है ना, ये कहता है कि हाँ जिंदा है। यहाँ शिन सीधा हॉस्पिटल से बिन के स्कूल आया होता है, वहीं बुली जो शुरू वाला था ना उसके स्कूल में, और उसकी क्लास का पता करके घुस जाता है उसके अंदर। बिन जब आकर टेबल पर बैठता है ना, तो शिन उसके गले को पकड़ता है, उसके सर को पकड़ता है, और टेबल पर मारता रहता बहुत मारता है। पूरी क्लास डर जाती है कि कौन है ये। शिन कहता है कि कहाँ है वो। बॉम कहता है कौन। शिन पेन उठाकर इसके कंधे में घुसा देता है और फिर से कहता है कि तेरा फ्रेंड कहाँ है। बिन कहता है कि मैं नहीं जानता कि कहाँ है, क्योंकि मुझे अभी अभी ये सारी चीज़ें पता चली, मैं वहाँ पर नहीं था, मुझे बस एक वीडियो मिली कल रात किसी ने भेजी थी मुझे, और ये सब बॉम ने किया, उसी ने मारा है उसको। शिन बिन का मोबाइल छीनता है और इसे मार के यहाँ से चला जाता है, और वीडियो देखता है जिसमें बॉम सुहो को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है इसको देखकर। और यह बॉम अपने फादर के साथ स्कूल जा रहा होता है, तभी सामने युंगी आ जाती है, चिल्लाती है कि तूने सुहो के साथ गलत किया, ऐसा क्यों किया। ये आदमी युंगी को उठाकर साइड करते हैं, बॉम कार से बाहर आकर कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम हमारी दोस्ती के बीच में आई थी। ओके अब मैं यहाँ पर बता दूं कि जो बॉम है ना, ये सुहो युंगी के साथ में देखकर ना काफी जल गया था, भड़क गया था, इसको लगा दोस्ती टूट रही है, जैसे कि उसने इंस्टाग्राम पे देखा था दोनों की फोटोज, उसी टाइम से उसके जो हाव भाव थे ना वो चेंज हो गए थे। इसके बारे में अपन एंड में बात करेंगे उसे। अब हालांकि ये करेक्टर मुझे दिमाग से थोड़ा बीमार लगता है, मैं सही बताऊँ तो। ओके यहाँ सब शिन आ गया होता है बॉक्सर के पास और आयरन की रोड उठाकर उस पर अटैक करता है, बट बॉक्सर बच जाता है और फिर होती है फाइट शुरू। शिन सुहो के स्किल्स का यूज करके बॉक्सर को मारता है, पर बॉक्सर थोड़ा भारी पड़ रहा होता है इसके ऊपर क्योंकि वो तो लड़ाई करता है ना, प्रोफेशनल है थोड़ा। तो शिन इसके ना शू के लेजर्स को खोलकर उसके गले में अटका कर डालकर लड़ाई करता है इसे, और इस बॉक्सर को गुस्सा आता है, ये इसको मुक्का मारने आता है तो उसका हाथ डंबल पर लगता है और इसका हाथ पूरा ना मतलब डैमेज हो जाता है, और शिन से माफी मांग रहा होता है, कहता मेरी तो बस फाइट उसे सुहो से, मैंने कुछ भी नहीं करा है, उसको बॉम्ब ने मारा है,
उसके हेड पर वो लात ही लात मार रहा था। शिन को और गुस्सा आ जाता है यह सुनकर, और पहले तो शिन डंबल उठाता है और इसका एक पैर तोड़कर यहाँ से चला जाता है। यह स्कूल में बोम के फादर आए होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है स्टूडेंट घायल हो गया आपके वहाँ पर। प्रिंसिपल कहती है कि हाँ, दोस्तों के साथ जिम में खेलते हुए वो घायल हो गया, चोट लग गई उसको। देख रहे हो दोनों कितने फेक है, पता दोनों को है क्या हुआ है, ठीक है फेक। यहाँ क्लास में एग्जाम हो रहा होता है, बोम बैठा हुआ है, बाहर से सीन आता है और जो आग बुझाने वाला होता है ना वो उठाता है और अंदर आता है। सब डर जाते हैं कि क्या करेगा अभी। मैडम कहती है क्या हो गया, ऐसी हालत क्यों बना के घूम रहे हो, ब्लड लगा हुआ है कपड़ों के ऊपर, कहाँ घूम रहे हो इतनी देर से, पेपर दो आकर। शिन बुली को पीटना शुरू करता है सबसे पहले। बुली दूसरा वाला अगर इसको बचाने की कोशिश करता है तो इतने में दूसरे बुली को भी पीट देता है ये। टीचर तो भाई डर के भाग जाती है यहाँ से। शिन एक बुली को मार के बेहोश करता है और दूसरे वाले के साथ भी सेम वैसा ही करता है। फिर बोम के पास जाता है, कहता है कि मैंने तुझे बोला था कि मत करिए सब, रुक जा। बोम कहता है कि मुझे मारो। शिन इसको गिरा देता है और इसके पास जाता है मारने के लिए। बोम कहता है कि तुम मुझे समझ सकते हो ना, और शिन कहता है कि हाँ और तुम भी मुझे साथ समझ सकते हो। और इसको बस मारने वाला होता है बोम को, बट मारता नहीं, हो छोड़ देता है शिन और उठकर यहाँ से चला जाता है। शायद इसको अपनी दोस्ती याद आ गई कि हाँ एक टाइम पर हम भी फ्रेंड्स हुआ करते थे। शिन गुस्सा कंट्रोल करके बाहर आता है तो सब इसे देख रहे होते हैं। प्रिंसिपल इसे रुकवाते हैं, पकड़ते हैं, बट शिन गुस्से में सारी विंडो को तोड़ने लग जाता है। सब डर जाते हैं और शिन यहाँ से हॉस्पिटल आता है और बोम के पास बैठकर आंखें बंद कर लेता है। फिर बोम की आंखें खुलती है, वो कहता है कि सोए हो गया तुम, कहता है कि हाँ। और शिन फिर इसे सॉरी कहता है। सुओ कहता है कि नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। दोनों एक दूसरे से सॉरी कहते हैं और शिन अपनी आंखें खोलता है तो सुओ अभी भी कोमा में ही होता है, बस ये इसकी इमेजिनेशन थी कि वो उठ गया है। शिन बहुत रोता है और एंड में हम देखते हैं तीनों को जब ये फ्रेंड हुआ करते थे, उनकी कुछ हमें वीडियोस क्लिप्स दिखाई जाती है। और शिन फिर हमें बताता है कि बोम अब विदेश चला गया पढ़ने के लिए और युंगी को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है क्योंकि वही हमारी दोस्ती के बीच में आई थी। और बोम के फादर ने शिन को जुवेनाइल भेजने का पूरा प्लान बना लिया था। शिन के पास ना बोम की वो वीडियो है जिसमें वो सुओ को मार रहा था, तो वो डर गया उसके फादर की अगर ये आगे आई तो मेरा बेटा भी फंसेगा, इसलिए बेटा फंसेगा तो मैं भी जाऊंगा क्योंकि मैं तो एक वो हूँ ना, क्या बोलते हैं, इलेक्शन वाला जो होता है नेता हूँ ना मैं तो एक, ओके तो इसलिए उन्होंने भेजा नहीं इसको। और आज मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है और मैं अब न्यू स्कूल में जा रहा हूँ अपने माता पिता के साथ। और फिर ये आता है अपनी न्यू स्कूल में। भाई ये क्लास में घुसता है, टीचर इसका इंट्रो करते हैं और फिर अपनी जाकर सीट पर बैठ जाता है। अब भाई एक कोरियन स्कूल है, कोरियन क्लास है और एकदम ही कोरियन क्लास होती है। सारे चोर, क्रिमिनल, मर्डरर, रेपिस्ट सारे भरे होते हैं भाई क्लास के अंदर। एकदम घटिया क्लास है बिल्कुल। शिन को टीचर बैठा देते हैं पहले तो। एक लड़का आता है इसके पास। अब देखो यार तुम सबको पता होगा कि बुली है, ठीक है, और शिन को परेशान करने के लिए आया हुआ है। कहता है कि तू आज से ना हमारा गुलाम है यहाँ पर। इसको लगता है कि कोई पागल सा लड़का है, कर देंगे कुछ भी। शिन कहता है कि तुम सबको ये करके मजा आता है क्या। लड़का कहता है कि हाँ, कम बोल वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। शिन अपना पेन निकालता है और गुस्से में देख रहा होता है इसकी तरफ, बहुत गुस्से में देख रहा है वो। और ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। नहीं, एक और सीन है, रुको। एंड में हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टैटू वाला पर्सन, जिसको टैटू है तो मतलब ये कोई गुंडा या किसी गैंग का लीडर होगा, है ना, ठीक है। अब ये शिन की फोटो देख रहा होता है, कोई इसको बता रहा है कि ये लड़का ना बहुत खतरनाक है। आते ही हमारे स्कूल में हमारे एक टीम मेंबर को इसने बहुत बुरी तरह मारा है और इसके साथ क्या किया जाए। और फिर यहाँ पर ड्रामा खत्म हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ था कि शिन जो था ना वहाँ उस लड़के को उसने बहुत मारा था, जिसको अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, उसको पीट दिया था उसने, जो हमें दिखाया नहीं गया एक्चुअल में। अब यहाँ पर ड्रामा तो खत्म हो गया, बट यार मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। ऑलरेडी हम इतना देख चुके हैं कोरियन स्कूल ड्रामा बुलीज, बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो जाती है। एक इस चैनल पर मैं और ड्रामा डाला था मैंने, जिसका नाम था किंग ऑफ पिक्स। भाई देखो वो ड्रामा ना मैं दो एपिसोड डाले हैं इसके, बट उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि उसकी वीडियोस मैंने बनाई थी, वो डालते पे ब्लॉक हो जा रही थी। ओके, तो अगर भाई देखो अगर तुम्हें इस तरह का और ड्रामा देखना है तो किंग ऑफ पिक्स को देखो, वो बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगा देख के उसको, ठीक है। और हाँ, अगर इस ड्रामे की बात कर लेना, देखो यार क्या था ना कि जो शिन का कैरेक्टर था काफ़ी साइलेंट था, उसको कुछ नहीं चाहिए था। हाँ, हालांकि उसको फाइट अच्छी आती थी, अब वो कैसी आती थी ये हमें इसमें नहीं दिखाया गया, ठीक है। वो पढ़ाई में ध्यान लगाता था, वो बहुत ज़्यादा बचपन से डिस्टर्ब रहता था, वो गुस्से में रहता था 24 घंटे जस्ट अपने माता पिता की वजह से। सुहो की बात कर ले तो सुहो एक्चुअल में एक फाइटर था, उसने फाइट सीखी थी और वो जस्ट अपनी नॉर्मल ज़िंदगी काट रहा था सारी मुसीबतों से हटकर, और उसको ना कुछ नहीं चाहिए था लाइफ के अंदर। वो अपना खुश था, आराम से दिन भर सोता था, पढ़ता था और रात को डिलीवरी करने जाता था, और कुछ नहीं चाहिए था उसको लाइफ में। बट जब बुलीज ने उसको परेशान करना शुरू किया तो उनको पीटता भी था, बट जब मेन प्रॉब्लम आई थी ना वो एक्चुअल में कुछ लोगों को लगा युंगी की वजह से आई थी, बट युंगी की वजह से नहीं आई थी, मेन प्रॉब्लम बोम की वजह से आई थी। देखो
बोम आया, बोम सबसे वीक था, हम उसको वीक मान सकते हैं। देखो मैं बता दूं क्या एक्चुअल में चक्कर क्या था उसका, बोम जो था ना वो इन दोनों से वीक था, तो इसको ऐसा फिर बाद में फील, पहले तो इसको देखो तो ऐसा लगा ना कि हाँ हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी इनों की, मतलब बहुत सही चल रहा था। बट जब उसने सुहो के साथ ना युंगी को देखा, उसकी फोटोज देखी इंस्टा पे, देखा दोस्त बन रही है ये, मतलब या सुहो इसका दोस्त बन रहा है ऐसा कुछ करके, तो उसके ना मन में जलन आ गई और उसको लगने लगा कि दोस्ती खराब हो रही। बट यहाँ पर मैं बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरा जो फोकस था ना ये नहीं था कि युंगी की आने से ना दोस्ती हमारी टूट गई खराब हुई। अगर ऐसा होता तो वो सूहो पर गुस्सा नहीं होता बल्कि युंगी पर गुस्सा होता, बट उसका जो सारा गुस्सा था ना वो सूहो पे था। लेकिन क्यों? जस्ट क्योंकि वो युंगी के साथ दोस्ती करने लग गया था। और एक तरह से पता ही क्या हुआ था, वो बोम को ये लगने लग गया था ना कि सूहो ना मेरा वो है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ रहेगा, एक तरह उसको आइडल टाइप का मान चुका था वो, ठीक है। बट उसको बाद में फील हो गया हाँ, और उसको ना मतलब फिर धीरे धीरे ये भी एहसास होने लगे कि दोनों मुझे दबाते हैं, मेरे ऊपर हुक्म चलाते हैं। बट ऐसा कुछ था नहीं, वो दोनों भाई नहीं चलाते थे हुक्म उसके ऊपर, सिन और सुहो की बात कर रहा हूँ, दोनों हुक्म नहीं चलाते थे उसके ऊपर। जस्ट फिर उससे अलग हुआ, और अलग होने पर जो पुलिस थे ना, अब पुलिस का काम ही क्या होता है, लड़ाई लगवाना, वो तो होती ही ऐसे, ठीक है, पता नहीं कहाँ से आते लोग। तो वो उसको जैसे आग में घी डालने का काम करते हैं, तो उस टाइप का किया उन लोगों ने कुछ, उसको भड़काया ये वो ऐसे वैसे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारा दंगा फसाद किया जो भी। अब अपन सुहो के सॉरी अब अपन ना ये बोम कैरेक्टर को अगर थोड़ा सा लेके चले ना, तो ये ना मतलब इसको हम एक तरह से ना परेशान पागल अंदर से गुस्से वाला ये वैसा मान सकते, क्योंकि ना इसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। किसका? इसके फादर का, क्योंकि उसको ना रोज मारा पीटा जाता था। अब जिस बच्चे को रोज मारा पीटा जाएगा ना बचपन से ही, और ऐसे ऐसे उसको ट्रीट किया जाएगा, जो कि एक अनाथ बच्चा था वो भी, उसके मन में मान सकते कितना गुस्सा हुआ। तो इसने अपना एक तरह से देखा जाए ना तो सारा गुस्सा जाकर ना सुहो पे निकाला है, ये मान सकते हैं हम, ठीक है। कि ऐसा मेरे को कहीं से भी नहीं दिखा कि युंगी की कोई भी गलती थी इनकी दोस्ती के बीच में, या कुछ नहीं है भाई इसमें, कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है। सारी गलती जो तीनों वो बोम की थी, इसी ने सबको लफड़ा कराया, और जो भी करा ना इसी ने करा, जस्ट इसके फादर ने इसको मारा पीटा ये सारी चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेट हुआ, तो उसने जस्ट वहाँ जाकर गुस्सा निकाला अपना, और कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका फादर खुद परेशान था उससे, ठीक है। तो इस वजह से बाकी इसमें कुछ था नहीं, बाकी इतना ही था तो बहुत कुछ वैसे। ओके तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ तक मेरी बातें सुनी है भाई थैंक यू सुनने के लिए, क्योंकि पता नहीं बोलता नहीं वैसे, बट हाँ मैंने बोला काफ़ी। ओके तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।